नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑनलाइन इन्वेस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने कहावत सुनी होगी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जी हां साहब, आज वही कुछ हुआ है राकेश टिकैत के साथ। राकेश टिकैत की भाषा जो थी, उसी भाषा में आज एक महिला एंकर ने अपने स्टूडियो में कैसे लठ मार पिटाई की है आज राकेश टिकैत की। कुछ देर रुक जाइए, आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां राकेश टिकैत की धुलाई हो रही है उन्हीं की तरह से, और कैसे कैसे राकेश टिकैत को एक तरह से कहावत है अपने भिगो के मारना, तो वो भिगो के महिला ने किस तरह से सुताई की है इस वीडियो में दिखाऊंगा। अनुरोध करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इस महिला की बातों की महिला गलत थी या राकेश टिकैत सही थे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वाकई में इस महिला की एंकर के डेयरिंग को देख करके, हिम्मत को देख करके वाकई में हमें भी सलूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये राकेश टिकैत को पूरी तरह से धो दी। मैं आपको बता दूं, एक निजी न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए राकेश टिकैत वहां पर गए हुए थे। राकेश टिकैत को इसमें पब्लिसिटी प्रमोशन के लिए वो कुछ भी करते, और यहां पर वो भी कर रहे थे कि वहां पर गए हुए वो दोनों वार्तालाप कर रहे थे। राकेश टिकैत हरियाणवी भाषा में, जो वेस्टर्न यूपी की है हरियाणवी भाषा वहां के, तो उस भाषा में वो जो लठ बजा देंगे उस तरह से बातें में वो भाषा बोल रहे थे। उसके बाद महिला एंकर अपने पर आती है और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून को लेकर के बॉन्डर मचाए हुए हैं, उन्होंने उनको कैसे धोती है। पहले मैं थोड़ा सा एक पार्ट दिखाता हूं उस वीडियो का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि फिर पूरे के पूरे क्या को पूरा मामला है वो देखिएगा। अच्छा आप जी, अच्छा आप बार बार नू कह रहे भाई, देखो मुझे तो यूं लग रहा अब जब मेल मुलाकात से चीज चल सके तो भाई इतना कड़ा होने की जरूरत होती नहीं। पहली चीज तो है ना, कड़वी बुखार जो है ना, दिमाग की बुखार जो है वो कड़वी दवाई से उतरे। अच्छा तुम नु कह रहे हैं तुमने जिताया, ठीक बात है तुमने जिताया, तुम आपको क्यों नहीं जीत गए फिर, दो बार खड़े हुए। हाँ दो बार खड़े, हमें जनता ने वोट दी थी, हार गए हम, तो जिता को कर सको। बताओ आपने वोट किसको दी, ये बता दो मुझे। मेरी छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम जिता को कर सको, मेरी छोड़ो ना। मैं यहाँ बताने को नहीं बैठी, मैं तो पूछने को बैठी, मैं बताने को नहीं बैठी सर, मैं पूछने को बैठी, तुम मेरे पे ही अपना। चलिए इससे पहले मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूं, एक यूजर है उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके सामने नजर आ रहा है। ये ट्वीट लिखा इसमें, इस वीडियो को शेयर करके, दिस इज कॉल्ड लठ मार इंटरव्यू, टिकैत गॉट समथिंग आउट ऑफ सिलेबस। ये इंटरव्यू शेयर किया गया एक यूजर द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे कहा उन्होंने बताया कि देखिए कैसे लठ मार इंटरव्यू से कहते हैं और कैसे टिकैत को आउट ऑफ सिलेबस का जब सवाल पूछा गया तो कैसे राकेश टिकैत वहां पर सरेंडर कर गए। अब आपको बताते हैं पूरा मामला ये राकेश टिकैत के बारे में। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन में डटे हुए, उनका कहना है कि कानून वापस लो नहीं तो कुछ भी करेंगे, आंदोलन तो खत्म होगा ही नहीं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक न्यूज चैनल न्यूज इंडिया वन करके है, उस पर इंटरव्यू देने गए थे। मैंने नाम भी ले लिया उस न्यूज इंडिया वन का, जिन्हें न्यूज एंकर एक गरिमा सिंह थी, राकेश टिकैत को उन्हीं के अंदाज में, मैंने जैसे बताया भी और आगे वीडियो आने बाकी है, उन्हीं के अंदाज में सवाल पूछना शुरू कर दिया। न्यूज एंकर ने राकेश टिकैत से चुनाव के लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा दो बार आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, फिर भी आप चुनाव क्यों नहीं जीते, इसका बड़ा सवाल था। राकेश टिकैत ने भी न्यूज एंकर पर हमला करने में कोई असर नहीं छोड़ा, और इंटरव्यू के दौरान न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने राकेश टिकैत से किसान आंदोलन के विषय पर सवाल पूछते हुए जब कहा कि जब चीजें मेल मुलाकात से हो सकती हैं तो इस तरह कड़ा बनने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, और ये उनकी भाषा में, राकेश टिकैत की भाषा में, लठमार भाषा में ही उन्होंने सवाल पूछा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा दिमाग का बुखार कड़वी दवाई से उतरता है। फिर न्यूज एंकर कहती है, भारतीय में से आगे सवाल पूछती है, आप बार बार कह रहे हो कि तुमने चुनाव जिताया, आप 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हो और आज तक आप खुद चुनाव नहीं जीते हो, इसके बारे में क्या कहो। इसके जवाब में राकेश टिकैत की बोलती बंद हो गई। राकेश टिकैत कहे, हाँ 2 बार मैं खड़ा हुआ, हमें जनता ने वोट नहीं दिया, हम हार गए, आप यह
बताओ कि आपने किसको वोट दिया। राकेश टिकैत यहां उस एंकर से सवाल पूछने लगे कि आपने किसको वोट दिया। आप समझते हैं किसकी भाषा है? अगर आप कहो कि आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप कहो भारत माता की जय, अगर आप कहो जय हिंद, अगर आप देश के लिए अच्छी बात करो, अगर आप कुछ भी अच्छा करो देश के लिए करो, तो आपसे सवाल पूछा जाता है आप किस पार्टी को वोट देते हो। मतलब सीधा साफ है कि आप वाजपेयी हो। आप 370 की वकालत करो, आप कश्मीर के, आप 370 को खात्मे पर बात करो कि बहुत अच्छा हुआ, आप कश्मीर पे बात करो कि पीओके को हम ले लेंगे, आप कहो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा था, आप कहो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश मिलाना अच्छा है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप किस पार्टी से हैं। ये सवाल बहुत चुभते हैं और यही सवाल राकेश टिकैत हर मंच पर अगर अपने से विपक्षी कोई सवाल पूछ लेता है तो सीधे सवाल पूछता है कि आप किस पार्टी से हैं। और ये आज क्यों राकेश टिकैत की नहीं, ये पूरे विपक्ष की भाषा है देश की, कि अगर कोई देश हित में बात करता है तो वो बीजेपी का हो जाता है। और ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हमारे विपक्ष के लिए, सबसे बड़ी नकारात्मकता विपक्ष के लिए है कि विपक्ष ही आखिर क्यों देश विरोधी बातों के लिए विपक्ष का कॉपीराइट है, और देश के लिए जो देश के लिए अच्छी बातें होंगी उसके लिए किसका कॉपीराइट है? सत्ता पक्ष का। और इस बात को कहीं ना कहीं हमारे देश का विपक्ष एक्सेप्ट कर चुका है। कारगिल से लेकर के जो मैं अगर बात करूं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह से, तुरंत सबूत मांगे जाते हैं कि भारतीय सेना ने कारनामा किया है नहीं, कर्तव्य किया है नहीं, तुरंत सबूत मांगे जाते हैं, सबूत दिखाओ। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इन सबके जवाब में आगे क्या हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, वो आपको बता देता हूं। राकेश टिकैत एंकर पर यहां पर बुरी तरह से विफर पड़े इन सब सवालों को लेकर के। राकेश टिकैत ने कहा कि हाँ, हम एक दो बार चुनाव लड़े हैं, आप ये बताओ कि आपको आपने किसको वोट दिया है, एंकर से पूछने लगे राकेश टिकैत। किसान नेता के सवाल पर न्यूज एंकर ने कहा कि मैं यहाँ बताने के लिए नहीं बल्कि पूछने के लिए बैठी हूँ। राकेश टिकैत यहीं नहीं रुके, उन्होंने न्यूज एंकर से पूछा, क्यों डरते हो कि आप लोग इतना बीजेपी से, वाकई में डरते हो क्यों, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपनी वोट बता सको, आप उनके प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते हो फिर? उसके बाद राकेश टिकैत की बातों का न्यूज एंकर बोली और विफर पड़ी और बोली, आप अगर अपना वोट बता रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। संविधान में आपको अधिकार देता है और अधिकार दिया हुआ है कि अगर आप इसे गोपनीय रखना है, आप गोपनीय रखना चाहते हो तो आप इसे रखो, ये आपका अधिकार है। और लेकिन आप मुझे बताओ कि आप चुनाव क्यों नहीं जीते। न्यूज एंकर के सवाल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन में जीतेंगे, दिल्ली के चारों तरफ बैठे, दिल्ली के चारों तरफ बैठते हैं, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम नहीं जाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया के यूजर खूब कमेंट कर रहे हैं और यहां पर सबने अपने हिसाब से राकेश टिकैत की धुलाई करने को ही की। वहीं टिकैत ने भी उन्हीं की भाषा में सिखा रहे हैं, बहुत सारे यूजर कर रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि जब आपका सामान एक तकसील पत्रकार से होता है सामान, तो आप कुतर्क और बेतकुतर्क भी आधारहीन भाषा पे आ जाते हो। ये राकेश टिकैत के लिए किया गया। इस तरह के बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे सवालों को लेकर राकेश टिकैत को पूछ रहे, लेकिन राकेश टिकैत, हमने कहा भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है, वो कहावत किसके लिए है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।